So today kids, in GK class, we are going to see the topic of seed germination. देख रहे हैं आप यहाँ पे कितने अलग अलग stages हैं seeds के, ठीक है? तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि seeds कैसे आगे आगे बढ़ता है, right? तो जब seed को हम soil के में डालते हैं, गीले मिट्टी में डालते हैं, तो उसको जब वो फूटता है उसको हम जर्मिनेशन बोलते हैं, जब वो प्लांट का रूप लेता है। और वो कैसे लेता है? सबसे पहले जब उसको मिट्टी में डालते हैं तो उसमें एयर, वाटर, सनलाइट आता है, तो उसमें वो बीज, सीड जो है वो फटता है, बीज से स्प्लिट होता है, फिर उसमें से एक पार्ट निकलता है, जैसे आप इसमें देख रहे हैं पार्ट निकलता है जो डाउनवर्ड्स रहता है, वो रूट का पार्ट हो जाता है प्लांट का, और वो धीरे धीरे सॉइल के ऊपर आता है। उसका सीड कोट निकलता है और वो स्टेम का रूप लेके उसमें लीव्स आती हैं, उसमें फ्लावर्स आ जाते हैं, ठीक है? ये देखिए बड है, ये बड से एक फ्लावर का रूप लेता है, जो एक फ्रूट्स भी हो, फ्रूट्स का हो, सीड्स हो सकते हैं, वेजिटेबल के सीड्स हो सकते हैं उसमें से। तो जो ये फ्लावर्स आता है उसमें बीच में ये देखिए ये सीड्स है, राइट? और ये सीड्स जब हवा चलती है या कोई आदमी पर्सन उसको हम सो करते हैं तो वो उसमें से फिर से सीडलिंग होती है, फिर से वो जर्मिनेट होता है, फिर से वो एक सीड से एक प्लांट का रूप लेता है, राइट? सो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ अ जर्नी ऑफ अ